ये चंद दलाल है जो भाड़े के दलाल है, जो जोश में आज होश गवा रहे हैं, लेकिन कल इनके ही पैर कटने वाला है। खाली बोल दिया 13 को सांसद आएगा तो हमारा झारखंड सुधर जाएगा। आइए इनसे सवाल कीजिए। 14 आप सीएम नहीं सुधार, ये सीएम के चुनाव नहीं है, आपको जानकारी होना चाहिए। ये गोड्डा के सड़कों पर लोग इंतजार कर रहे हैं भोजपुरी स्टार निरहुआ का। आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद भी हैं और उनके साथ आ रही हैं उनकी प्रेमिका कहा जाए, है ना, उनकी हीरोइन कहा जाए, उनकी सहयोगी कहा जाए, है ना, आम्रपाली दुबे जी। कुछ ही देर में यहाँ पे रोड शो करने वाली है। अच्छा, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा है कि पथरगामा के लिए जनहित में कुछ काम हो, लोकसभा में काम हो ही रहा, पथरगामा के लिए भी कुछ हो। यहाँ से बीजेपी, यहाँ पथरगामा से पूर्वी हमेशा बीजेपी लीड करती आई है। जब पथरगामा जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ के लोगों के लिए हमेशा छल हुआ है। छल यही हुआ है कि यहाँ से हमेशा बीजेपी लीड करती है, यहाँ से परसपानी सरौनी होते हुए हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ के लिए रोजगार मुद्रा हो, अडानी में लोगों के लिए जो आज दर दर ठोकरे खा रहे हैं उनके लिए रोजगार का रास्ता बने, बिना किसी दलाल, बिना किसी मुहैया के उसको रोजगार दिया जाए। और मतलब अडानी में रोजगार स्थानीय लोगों को नहीं मिला, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है, वहाँ बिचौलियों का काम हो रहा है, वहाँ 150,000 देकर उनको बरगलाने का काम किया जा रहा है, और जो भी भर्ती हो रहे हैं उनको मतलब पैसा लेने के लिए बेरोजगार ही होंगे, फुल्ली बेरोजगार है सर, तब आए हैं। 500 गाज हमारे पास दिहाड़ी होता तो हम यहाँ पर नहीं आते, है ना। यह एक मनोरंजन का साधन है, निरहुआ हो या हमारा पाली हो, कल हमारा घर में कोई आने वाला नहीं है, ना 5 साल आने वाला है। यही मनोज तिवारी चिहाड़ी पहाड़ पर आकर वादा किए थे, लेकिन आज के दिन में कुछ नहीं। ये युवा अपना तर्क बयान कर रहे हैं कि ये जो लोग आ रहे हैं ये आज आएंगे कल नहीं आएंगे, लेकिन हमारी जो मुद्दा है, हमारा जो परेशानी है, हमें रोजगार मिलना चाहिए, उस रोजगार को लेकर ये सारे लोग जो है जमा हुए। बहुत जोश में दिखाई दे रहे हैं, बहुत जोश में लग रहे हैं जी, जोश में हैं हम लोग, उत्साह में हैं, उत्साह में। हाँ, जीत हमारी हो रही है। हमारी आपके भाई साहब बगल में खड़े हैं, बोल रहे हैं बेरोजगार हटाने में नौकरी नहीं मिला, ये बोल रहे हैं ना। तो बेरोजगार तो झारखंड सरकार के कारण हो रहा है ना, लोग झारखंड सरकार कोई रोजगार नहीं दे रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। आज यही जो रेलवे स्टेशन बना है, आप 6 बजे रेलवे स्टेशन चल जाइए, भर भर के बोगी मजदूर बाहर के राज्य में जा रहे हैं। 14 में से 13 सांसद झारखंड देने वाला हमारा बीजेपी, बिहार में 40 में से 39 देने वाला बीजेपी। अगर 5 साल में स्वर्ग ना बना दे कोई चाह ले सांसद, तो स्वर्ग बन जाएगा वो राज्य, लेकिन नहीं बना, नहीं बना, दुर्भाग्य है हमारा। हम कुछ चुनिंदा नारों में, हम कुछ चुनिंदा नारों और गुटबाजी में आगे रह जाते हैं, लेकिन हमारा भला हो रहा नहीं है। हो गया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रोहन कुमार, पथरगामा वार्ड सदस्य, 1 संख्या से हम वार्ड सदस्य हैं। और हमारा कहना है कि जो मुद्रा है उनका कल्याण होने वाला रोहन नहीं है। कुमार की बातों पर क्या कहेंगे आप लोग? जानेगा तब ना सर कि क्या है नहीं है। खाली बोल दिया 13 को सांसद आएगा तो हमारा झारखंड सुधर जाएगा। आइए इनसे सवाल कीजिए। 14 आप सीएम नहीं सुधार, ये सीएम के चुनाव नहीं है, आपको जानकारी होना चाहिए। परजोर रोहन्ना का नाम आप लोग बखूबी जानते होंगे, जो एक रेपिस्ट करता है, 2700 महिलाओं का रेप करता है, उनके लिए मोदी जी वोट मांगते हैं। रेपिस्ट के
के लिए सर प्रज्वल रोहन ने पूरा देश आज भारत जान रहा है। भारत में पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं और ये गौमांस की हत्या के नाम पर चंदा लेते हैं। ये चंद दलाल है जो भाड़े के दलाल है जो जोश में आज होश गंवा रहे हैं, लेकिन कल इनके ही पैर कटने वाला है। प्रज्वल रोहन क्या सवाल है आपका? सवाल क्या बताइए? हमने कहा कि स्थानीय को रोजगार मिले, यही कहना चाहिए। पीछे दे रोड है, आइए आइए। इनका कहना है कि स्थानीय को रोजगार अडानी में नहीं मिल रहा है, हम लोग युवा हैं, हम युवाओं को रोजगार नहीं दे, रोजगार करने की इच्छा ही नहीं है, बैठ के खाने की इच्छा है तो उसको रोजगार मिलेगा कहाँ से? जितना भी दुकानदार है क्या सरकार रोजगार दिया है? अपने को रोजगार किया है, मेहनत हर कोई करना चाहता है, लेकिन बिचौलियों का अड्डा बन के रह गया अडानी, जहाँ पर राज्य सरकार में है 70 साल से रोजगार नहीं ले रहा था, आज 5 साल में रोजगार ले रहा है। के बीच में आना ही नहीं चाहिए। जब यहाँ किसी पार्टी का रोड निशिकांत चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, हर घर मोदी चाहिए, यहाँ निशिकांत दुबे चाहिए सांसद। टैलेंट दिखाएगा हम लोग को 24 में टैलेंट दिखाएंगे निशिकांत दुबे जी, ठीक है? टैलेंट दिखाएंगे 24 में, आज रोजगार का कमी नहीं है, टैलेंट दिखाएंगे निशिकांत दुबे जी। जीतेगा और 9 लाख से अधिक वोटों जीतने जा रहा है। चलिए, ये उनके समर्थकों का कहना है कि निशिकांत दुबे 9 लाख वोट से जीत रहे हैं।